हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल एंड जो क्वेश्चन आपके बाकी थे दैट इज लर्निंग असेसमेंट के बेसिस पे मैं एट ए टाइम आपको मल्टीपल क्वेश्चन के ऊपर आंसर्स uh, दे रही हूँ एंड उसी रिगार्डिंग आपको प्रिपेयर भी कर रही हूँ सो so, यहाँ पे पॉइंट तो आता है कि आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट का नोट्स था प्रीवियस वाला वन पॉइंट फोर पॉइंट वन एंड टू तो उसको अगर चेक करोगे तो तुम वहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट का नोट्स बहुत लेंदी करके दी थी शॉर्टकट लिखना ईप आता है वन पॉइंट फोर के लिए इफ यूनिट टू के लिए आता है टू पॉइंट वन एंड टू पॉइंट फोर तो उसके लिए भी मैंने लेंदी करके दिया है कि अप्रोक्सीमेट आपको फोर पेजेस हो जाए सो बिफोर गोइंग टू दिस आपको क्या लिखना है क्वेश्चन आता है इवेलेशन और असेसमेंट के पॉइंट पे तो असेसमेंट का पूरा आप डिस्क्रिप्शन दोगे राइट अबाउट ऐसे क्वेश्चन आता है राइट अबाउट इट्स डेफिनेशन और इट्स नेचर एट्सेट्रा तो असेसमेंट यूनिट का जो फर्स्ट आंसर्स था असेसमेंट रिलेटेड वहाँ पे जो हमने मेंशन किया था इंट्रोडक्शन पार्ट दैन अससमेंट के डेफिनेशन और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको तो उसको हम लिख लेंगे एंड उसके बाद जो भी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ असमेंट बेस्ड ऑन अगर स्कोप uh, हुआ तो स्कोप के बेसिस पे अगर जो भी आपको मैंशन हुआ क्वालिटी एंड क्वान्टिटी और रेफरेंस टाइप के ऊपर या फिर ओवरऑल रिटर्न फॉर्म के अकॉर्डिंग जो भी मैंशन होगा वो ऐसा लिखेंगे तो प्रीवियसली जो हुआ था उसको चेक कर लेना एंड अपडेट कर लेना खुद के स्टडीज में आफ्टर दैट हम इस पे चलते हैं तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट है चार पॉइंट्स डिस्कस करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसमेंट बेस्ड ऑन एट्रीब्यूटर यहाँ पे जो जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं वहाँ तक ही आप एक आंसर को चेक करेंगे आफ्टर दैट आंसर चेंज होते जाएगा मिड पॉइंट पे चेंज होते जाएगा मैंने बहुत जगह से कलेक्ट किया है खुद भी रिटर्न हैंड रिटर्न भी है मेरा प्रीवियस नोट्स भी था मेरा तो उस अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिले गा ठीक है सो फर्स्ट वन इज़ द अचीवमेंट अचीवमेंट को हम थोड़ा सा वास्ट करेंगे दैन ऐप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड उसके बाद इतने पॉइंट खत्म होने के बाद नेक्स्ट में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ़ इंफॉर्मेशन गैदर यह आपके बुक में बिल्कुल मेंशन नहीं है सो so प्लीज़ इसको आप मेंशन कर लो अपने पॉइंट पे दैट इज़ अ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव में डिफरेंस डिफ्रेंस बताऊँगी उतना याद रखिएगा हो जाएगा वन पेज जैसा नोट्स हम लिखेंगे क्लासि ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन मोड ऑफ रेस्पॉन्स मोड ऑफ़ रेस्पॉन्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्षेत्र बच्चे आ, आप लोग भी चेक कर रहे हो तो प्लीज माइंड माइंड uh, में ये चीज़ फिक्स करिए आपका जो एक क्वेश्चन है लर्निंग असेसमेंट पे दैट uh, इज़ कैसे आपको टेस्ट uh, आइटम्स को प्रिपेयर करना है या टेस्ट आइटम्स को लिखना है उसके बेसिस पे एक पॉइंट था ओरल रिटर्न ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंशन था उसका मैं पूरा चार्ट दे रही हूँ चार्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना हो जाएगा वो बहुत लेंदी आपके बुक में तो आप वैसा मैंशन करें तो क्लियर हो जाएगा एंड आपके लिए भी ए न्यू बच्चे आपके लिए भी मैंने पूरा शॉर्ट शॉर्ट करके दिया है एंड उसको आप अगर लिख लेते हो तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाएंगे बिकॉज uh, पीछे ना जैसे कि यूनिट थ्री में मैंने चेक किया था वहाँ पे आपका बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन थे मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन और मैचिंग टाइप क्वेश्चन जो जो वन uh, पेज का और हाफ पेज का था तो उस रिगार्डिंग मैं भी पॉइंट बताऊँगी मेंशन करूँगी तो वो सारे भी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे अभी रिपीटेडली uh, हर एक चीज़ को शॉर्ट शॉर्ट बना के डालना थोड़ा टाइम टेकिंग है तो मैंने एट ए टाइम बहुत सारे पॉइंट्स को बोलूँगी आप टिक करते चलोगे अपने बुक में एंड उस रिगार्डिंग पढ़ो तो मार्क एंगे इसके बाद कुरुक्षेत्र बच्चे आप लोगों के लिए भी है नॉम रेफरेंस टेस्ट सेल्फ रेफरेंस टेस्ट वन काइंड ऑफ टेस्ट मटेरियल होता है और ओ एस टी टी प्रिपेरेशन के लिए या फिर ये सी टी एट के लिए ये सब के लिए ये टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं तो सेल्फ रेफरेंस टेस्ट एक नॉर्मली टेस्ट है और इवालुएशन प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप खुद को जज करते हो तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज नॉट इन योर बुक सो ये मैंशन नहीं है सो आप स्किप कर सकते हो बट यहाँ पे जो है नॉम रेफरेंस एंड काइट टेरियन रेफरेंस इसको पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे उसके बाद इसका डिफरेंस देखेंगे एंड एग्जाम्पल्स देंगे उतना करने से हो जाएगा सो लेट्स स्टार्ट टूडेज सेशन सो आई थिंक आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे रिगार्डिंग टू योर क्वेश्चन तो फोर क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और भी छुपे हैं यूनिट थ्री से हैं यूनिट टू से भी है तो आप माइंड में रख के काम करें सो so, पहले तो अचीवमेंट टेस्ट पे आते हैं अचीवमेंट टेस्ट का मैंने यहाँ पे प्रोसीजियोर नहीं बताया अचीवमेंट टेस्ट का प्रोसीजियोर नेक्स्ट एक परफेक्टली वीडियो आएगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस मैं बता दूंगी थोड़ा सा ऐड करना है तो वहाँ पे ऐड कर लेना बट इस क्वेश्चन के लिए इतना एन एफ है दो ढाई पेज मैंने दिया है इतना एन एफ है ओके सो फर्स्ट चलते हैं दैट इज़ यहाँ पे मेंशन है इंट्रोडक्शन पार्ट तो एंड अचीवमेंट टेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट टूल नॉर्मली इन इवेलुएशन सेक्शन वी नीट टाइप ऑफ इवेल्युएशन प्रोसेस और इवेल्युएशन जजमेंटल रिकॉर्ड थ्रू विच वी कैन जज एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम और एनी टाइप ऑफ पीपल्स बिहेवियर सो अचीवमेंट टेस्ट क्या है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज़ करता है पर्टिकुलर टू सब्जेक्ट एरिया है बच्चों ने कितना सब्जेक्ट एरिया में अपना नॉलेज को इन्हांस किया है उसको चेक करते हैं पर्टिकुलर इसको यूज़ करके अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू देर फॉर अचीवमेंट टेस्ट इज़ एम्प्लॉयड फॉर नेसेसरीली अमाउंट ऑफ सक्सेस और लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस तो यहाँ पे होगी ये परफॉर्मेंस टेस्ट है ये स्पेसिफिक फील्ड में काम करता है और एन एरिया ऑफ एकॉम्पलिशमेंट जहाँ पर बच्चों का सपोज एक बच्चा है उसका ग्रोथ फुल्ली हो रहा है तो फुलेस्ट ग्रोथ को चेक करने के लिए एक सब्जेक्ट एरिया में आप क्या करोगे आप बहुत सारे वहाँ पर टेस्ट लोगे सो दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज अचीवमेंट टेस्ट कि वो कितना एकॉम्प्लिश किया है अपने रिजल्ट में वो कितना गुड है वो सब चेक करने के लिए सो अचीवमेंट टेस्ट इज़ पोस्ट ओरिएंटेड नॉट प्री ओरिएंटेड ये पोस्ट ओरिएंटेड है बच्चों के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये होता है ओके नेक्स्ट क्लियर करते हैं दैट इज़ डेफिनेशन पर आता है दो डेफिनेशन मेंशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइप कितने मार्क्स के आ रहे हैं उस रिगार्डिंग आप फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू थॉन्डाइक अकॉर्डिंग टू थॉन्डाइक अगर थॉन्डाइक एंड हगेन के अकॉर्डिंग चले द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब वट ए पर्सन हैज़ लर्न टू डू इज कॉल्ड एन अचीवमेंट टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि अगर हम जज करना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर कौन सा एबिलिटी है उसको जज करना चाहते हो या कौन कौन से टाइप की पर्सनालिटी से वो बिलोंग करते हैं या क्या चीज़ उसने लर्न किया है हम कभी ना कभी ना ऐसा नहीं है लर्न नहीं करते एवरी टाइम वी लर्न सो so, ये जो लर्न बिहेवियर है ये सराउंडिंग से आता है सराउंडिंग से आप लर्न कर दो तो।, तो यहाँ पे एक बच्चा है तो मैंने यहाँ पे सपोज ये ड्रा किया ऐसे मैंने ड्रा किया ठीक है यहाँ पे एक बच्चा है तो ये लर्न कर रहा है बहुत सारे थिंग्स को इसने लर्न किया आफ्टर लर्निंग इसको हम अगर जज करते हैं तो इसके जो एबिलिटीज़ को हम जज करें इसको कहा जाता है अचीवमेंट टेस्ट अकॉर्डिंग टू थ्रॉन एंड हैग देन आते हैं अकॉर्डिंग टू फ्री मैन फ्री मैन के अकॉर्डिंग ए टेस्ट और ए टेस्ट मीन्स हो रहा है अचीवमेंट टेस्ट इज अ टेस्ट डिज़ाइन टू मीजर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट सपोज़ बच्चों को कोई सब्जेक्ट मैंशन किया गया टॉपिक मैंशन है या फिर कुछ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स मैंशन है तो उस रिगार्डिंग बच्चों को जो भी नॉलेज मिलेगा उसका अंडरस्टैंडिंग होगा उसका स्किल्स होगा स्पेसिफिक टू दैट सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट उसको अगर हम जज करते हैं उसको टेस्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट उसको हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं आई थिंक आप लोग क्लियर हैं ये टेस्ट ऐसा डिज़ाइंड है कि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग नॉलेज और स्किल्स को हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जज कर सके तो दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट राइट अभी देखो मीनिंग मैंशन है ठीक है मीनिंग क्या है असेसमेंट इन्वॉल्व्स असेसमेंट जो है अचीवमेंट टेस्ट असेसमेंट का भी पार्ट है इवेलुएशन का भी पार्ट है तो असेसमेंट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स नॉलेज स्किल एबिलिटीज अगर असेसमेंट बोला जाए असेसमेंट भी बच्चों के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए होता है सो यहाँ पे बच्चों का नॉलेज स्किल एबिलिटीज इसको ही हम चेक करते हैं एन अचीवमेंट टेस्ट इज फॉर्मल असेसमेंट इसलिए बोला गया ये वन काइंड ऑफ फॉर्मल असेसमेंट प्रोसेस है तो इसमें ना वेरियस फॉर्म्स हैं ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस भी आपको मैंशन किया तो था डायग्राम में दैट इज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट अगर आप देखें तो अचीवमेंट टेस्ट इट इज़ ए पार्ट ऑफ असेसमेंट और इवालुएशन एंड इट इज ऑफ टू टाइप स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट यहाँ पे नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को हमने टीचर मेड टेस्ट और इनफॉर्मल टेस्ट भी मेंशन किया था एंड उसको अगेन डिवाइड किया था रिटर्न पेपर ओरल एंड और प्रैक्टिकल देन रिटर्न पेपर में अगेन आया था पेपर पेंसिल टेस्ट ऐसे टाइप शॉर्ट आंसर टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गया अभी देखो ना डिफरेंस बिटवीन ये तो आप लोग पहले भी कह चुके हैं दैट इज क्वालिटी ऑफ टेस्ट आइटम्स इज़ अन ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है तो इसको मैं थोड़ा स्किप करती हूँ बिकॉज प्रीवियस जो वीडियो है उसमें और भी डिटेल से ही मैंशन था ठीक है पर्पस क्या है अचीवमेंट टेस्ट का पर्पस क्या हो सकता है दैट इज़ प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्रोग्राम और फ्यूचर प्रोग्राम ऑफ एनी कंटेंट कोई भी एनी कंटेंट का वो फ्यूचर प्रोग्राम कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा वो जान सकता है प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड बच्चों का प्रोग्रेस हम जान सकते हैं कि वो कितना लर्न करेगा और उसका रेट ऑफ ग्रोथ कितना है इन लर्निंग एसेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं मोटिवेट द स्टूडेंट्स, डायग्नोज़ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बच्चों के वीकनेसेस कहाँ पर है स्ट्रेंथ कहाँ पर वो जान सकते हैं रिपोर्ट द पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट बच्चों के अचीवमेंट के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं इफेक्टिवनेस मैथड्स एडेप्टई टीचर Uh, हम अगर बच्चों के uh, प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग अगर हम इफ़ेक्टिव टूल्स और मेथड्स को यूज़ करते हैं तो बच्चों का प्रोग्रेस और अच्छा होगा तो उस बेसिस पे हम ध्यान दे सकते हैं चलो नेक्स्ट चलता है अभी फंक्शन और यूजेस अभी जो जो पॉइंट आपने मेंशन किया ना उसी पॉइंट्स के ऊपर है दैट इज़ हम बच्चों को इवेलुएट कर सकते हैं दैट इज़ अ फर्स्ट पॉइंट हेल्प कर सकते हैं बच्चों को कि कौन सा सब्जेक्ट को कितना uh, पढ़ना चाहिए और कितना हेल्प होगा पढ़ने से उसके ऊपर फाइंड आउट द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट बच्चों के स्टैंडर्ड को जज करने के लिए हम कर सकते हैं स्टैंडर्ड uh, के बाद बच्चों को उनके मैक्सिम पॉइंट तक दैट इज़ अ मैक्सिमस और बोल सकते हैं हम मैक्सिमम वो कितने लेवल तक जा रहे हैं या ग्रोथ करें उस लेवल तक वो पढ़ सकें तो उस बेसिस पे हम हेल्प कर सकते हैं बच्चों को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके ब्रिलियंट और स्लो लर्निंग के अकॉर्डिंग प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस में अकॉर्डिंग टू देयर कैटागोरीज दैन टीचर सॉल्व कर सकते हैं उनके प्रॉब्लम्स को कोई भी बच्चों का प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व कर सकते हैं एवॉर्ड दे सकते हैं री इन्फोर्स कर सकते हैं वेरियस थिंग्स कर सकते हैं आ रही तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल है एंड अचीवमेंट टेस्ट से एवरी टाइम सीटेड वोटेड में क्वेश्चन आते ही हैं फिक्स्ड है ओ स्टेट में भी क्वेश्चंस आया था तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो ठीक है जो पॉइंट मेंशन है इतना कर लेंगे तो बहुत कुछ हो गया ठीक है अभी देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है यहाँ पे जो पॉइंट है ना दैट इज हम अगर अचीवमेंट टेस्ट को बना रहे हैं वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अचीवमेंट टेस्ट प्रोग्राम सो वी नीड सम प्लानिंग्स एंड दैट प्लानिंग शुड बी इन फॉलोइंग ऑर्डर फर्स्ट वन इज प्लानिंग द टेस्ट हमें टेस्ट को प्लान करना है आफ्टर दैट प्रिपेयरिंग द टेस्ट टेस्ट को प्रिपेयर करना है दैन प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग की एंड मार्किंग की कौन से वे से हम मार्किंग करेंगे और स्कोर करेंगे उसको चेक करना है एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट अगर टेस्ट प्रॉपर है और उसके ऑब्जेक्टिव जो है जो uh, आपने फिक्स के अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट टाइप आपने टेस्ट कुछ मेंशन किया इस टेस्ट के टाइप में आप चाहते हो कि बच्चों में ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड हो तो वो हो रहा है कि नहीं चेक करना देन स्कोरिंग द टेस्ट बच्चों के जो भी टेस्ट आपने मटेरियल बनाए बच्चों को टेस्ट करने के लिए उसको स्कोरिंग करो कि वो कितना प्रॉपर है और इम है देन इवालुएटिंग द टेस्ट टेस्ट मटेरियल्स को इवालुएट करना है एवरी पॉइंट्स को इवालुएट करना है जज करना है तो ये पॉइंट्स ऑनली मैंशन करेंगे आफ्टर दैट एप्टीट्यूड एंड ऐटीच्यूड में आपके बुक में बहुत सारा मेंशन है तो उतना नहीं लिखना है ओनली वन पेज मेंशन करना है ओनली हम थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन देंगे दैन डिफरेंस में चलेंगे ओके राइट सो यहाँ देखो ये आ गया एप्टीट्यूड एंड एटीच्यूड वाला सो इट इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म वेल इन ए स्पेसिफिक एक्टिविटी ये क्या है एक नेचुरल एबिलिटी है बच्चों का एप्टीट्यूड हम मैंशन कर रहे हैं इट इज़ नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म वेल इन ए स्पेसिफिक एक्टिविटी कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो चाहिए ठीक है वो एबिलिटी को हम एप्टीट्यूड बोलते हैं एप्टीट्यूड डिटर्माइज द टैलेंट्स बच्चों के टैलेंट्स को और सुइटेबिलिटी को बच्चे कौन से जोन में बहुत अच्छे हैं सो so, उसके अकॉर्डिंग यहाँ जज कर सकते हैं एंड जज करने के बाद इसको मेंशन किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट और दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आफ्टर दैट नेक्स्ट चलते हैं एटीट्यूड पे एटीट्यूड क्या होता है इट इज ए पर्सन परसेप्चुअल और और बोल सकते हैं हम परसेप्चुअल और दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियरल डिस्पोजिशन टू एक्ट अकॉर्डिंगली अब सपोज कोई एक पर्सन को बोलते हो कि आप इस ओपिनियन के अकॉर्डिंग वर्क करो ठीक है या फिर इस चीज़ को रिसीव करो वो जो बेटर थिंक करता है उसी को वो रिसीव करता है दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड बैड एटीट्यूड और गुड एटीट्यूड बच्चों को आप जज uh, नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू देयर मोरल बिहेवियर समटाइम्स दे बिहेव लाइक ए एडल्ट समटाइम्स दे बिहेव लाइक ए टॉय सो यू डिडेंट नो इन वेन और इन हुच पीरियड और वेन दिस पॉइंट इज़ कमिंग और वेन दे गेट आउट फ्रॉम दैट पॉइंट और गेट देयर ओन स्टील सो ये लर्निंग पॉइंट जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं एटीट्यूड में चेंजेस फ्रिक्वेंटली आते हैं ठीक है अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को दैट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन ऐप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड सो so, यहाँ पे जो एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का डिफरेंस है इट इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व द परफॉर्म समथिंग एप्टीट्यूड होता है कोई भी एबिलिटी जिसके लिए आप डेडिकेटेड हो एंड उसके अकॉर्डिंग कोई भी परफॉर्मेंस आपको देना रहे तो आप स्मूथली देते हो या फिर प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करते हो दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड एटीट्यूड क्या है एटीट्यूड इज द परसेप्शन ये होता है एक परसेप्शन और ओपिनियन अबाउट ए पर्सन और ए थिंग कोई एक पर्सन uh, के लिए कोई एक पर्सन के लिए और चीज़ के लिए जो ओपिनियन रहता है दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड इट इज़ एसोसिएटेड विथ कॉम्पिटेंस ये एक एसोसिएट और जुड़ा हुआ है कॉम्पिटेंस के साथ इट इज़ एसोसिएटेड विथ कैरेक्टर एटीट्यूड कैरेक्टर में आता है ये वर्क पे आता है कम्पिडेंस आप किसी चीज़ के लिए कॉम्पिडेंस हो या फिर कंप्लीट करते हो आपका एप्टीट्यूड एबिलिटी कितना है उसको जज करने के लिए ये क्या होता है ये टोटल मेंटल और फिजिकल हो सकता है मतलब दिमाग से भी हो कर सकते हो या बॉडीली एटीट्यूड कम्प्लीटली मेंटल होता है दैट मीन्स आपके दिमाग जो सोचता है उसी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड देख लो थ्री टाइप्स का है क्वालिटेटिव यहाँ पर मैंशन नहीं होगा क्वान्टिटेटिव ऐप्टीट्यूड शुड भी क्वान्टिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव ये आपके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो क्वान्टिटेटिव भरबल एप्टीट्यूड विजुअल मेमोरीज एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ एटीट्यूड में क्या है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है ये आप जानते हो बहुत अच्छे से जानते हो देन देखो नेक्स्ट मे टू चेंज ईजिली इसका जो एप्टीट्यूड है वो चेंज हो जाता है इजीली बट समाइम्स जब आप कोई चीज़ को लर्न कर ले तो वन ऑफ आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज लर्नड इन मी मेरे में ये लर्न हो गया तो इसके बाद डिफिकल्ट होता है चेंज करने के लिए मे बी ये स्पेसिफिक होता है नॉट जनरल टू स्पेसिफिक जनरल टू स्पेसिफिक ये होता है हमें जनरल आइडिया मिलता है हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए उसके बाद हम स्पेसिफाइड हो जाते हैं यहाँ पे चेंज ईजीली है इट इज़ इनेट टेंडेंसी इनेट मीन्स बाई बर्थ मिल जाता है एप्टीट्यूड अगर आपके पेरेंट्स के अंदर कोई टैलेंटेड है तो हो जाता है कभी कभी या फिर फैमिली मेम्बर्स में भी कोई टैलेंटेड हो तो आता टैलेंट्स के ऊपर है कोई एक डांस स्टाइल्स आता हो या फिर कुकिंग का जो हॉबीज़ है वो सब आ सकता है etc. इट हैज मोर इनेट एंड लर्न बेसिस भी इनेट है, है, है अभी अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं देट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदर्ड तो इंफॉर्मेशन गैदर्ड के अकॉर्डिंग मेरे पास टू पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन हमने डायरेक्ट कर दिया है क्वालिटेटिव और दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव पहले मेंशन है देन उसके बाद क्वालिटेटिव इवालुएशन के बेसिस पे हम टू पॉइंट्स मेंशन करेंगे सो क्वांटिटेटिव इवालुएशन क्वालिटेटिव इवालुएशन अगर सपोज एक क्वेश्चन सिंगल आता है तो क्या लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दोगे किसके ऊपर इंट्रोडक्शन टू इवालुशन इंट्रो देना है इवालुएशन के बेसिस पे उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मेंशन करना है कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो इवालुएशन को थोड़ा लेंथी कर दो वन एंड हाफ पेज जैसा उसका इवाल में क्या क्या पॉइंट है कौन सा है ये सब मेंशन कर दो देन इन्फॉर्मेशन क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय इन्फॉर्मेशन व्हेन यू गैदर्ड इन्फॉर्मेशन दैट मींस ये इन्फॉर्मेशन रॉ होता है रॉ मतलब अरेंजमेंट नहीं है तो अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग ना क्या करते हैं क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव इवाल्यूएशन करते हैं जज करते हैं कि वो जो मैटेरियल है दैट इज़ अ रॉ मेटेरियल इन्फॉर्मेशन है रॉ इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट सिक्वेंस में है या नहीं उसको जज करने के लिए ये प्रोसेस होता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया बहुत सारा बेसिक पॉइंटिस चलते हैं तो बेसिस क्या है पहला तो मीनिंग आता है सो क्वान्टिटेटिव इवाल्यूएशन मीन्स क्वान्टिटेटिव इवाल्यूएशन इसमें क्या होगा वी कलेक्ट डाटा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं ठीक है क्वालिटेटिव क्या होगा इट इज़ दैट टाइप ऑफ इवाल्यूशन इन विच वी चेक द क्वालिटी यहाँ पे स्क्रिप्ट uh, हो गया है यहाँ पे पॉइंट मेंशन है वी चेक द क्वालिटी ठीक है हम क्या करते हैं चेक करते हैं क्वालिटी को क्वालिटी चेक किया जाता है प्लीज़ आप मेंशन करना क्वालिटी चेक करते हैं स्किप हो गया है फ़ोटो लेते लेते ओके okay, नेक्स्ट चलते हैं देन बेसिक नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेसिक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस तो फोकस अगर हम पहला चलते हैं क्वांटिटेटिव क्वान्टिटेटिवैलुएशन में इसका फोकस किस पे है क्वांटिटी के ऊपर दैट इज़ हाउ मच हाउ मेनी एट्सट्रा उस क्वेश्चन के नंबर्स के अकॉर्डिंग ठीक है फोकस ऑफ इवाल्युएशन ऑन क्वालिटी क्वालिटी के बेसिस पे अगर देखें तो हम दैट इज़ हम उसके नेचर को चेक करेंगे और एसेंस को चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो उसका वैल्यू क्या है ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा हुआ तो क्या होगा ऐसा हम जब जज करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी ठीक है हमारा नेचर क्या है नेचर शुड बी इन दिस क्वान्टिटेटिव इवाल्यूशन इट इज सबमेटिव टाइप बट क्वालिटेटिव में फॉर्मेटिव टाइप फॉर्मेटिव टाइप सबमेटिव टाइप याद रखो नेचर के बाद मेजरमेंट्स पे आता है ये क्या है आप स्टैंडाइज नॉन स्टैंडर्डाइज पढ़ चुके हैं तो ये हो गया स्टैंडर्डाइज ये हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज मतलब हमारा जो क्वालिटेटिव है वो नॉन स्टैंडर्डाइज है एंड क्वांटिटेटिव है वो स्टैंडर्डाइज है ये न्यूमेरिकल्स एट द एंड पॉइंट पे हम कर सकते हैं ये नैरेटिव टाइप जहाँ पे ऑन प्रोसेस चलता है किसी भी बच्चों का परफॉर्मेंस चेक करें उस पॉइंट पर क्वालिटी आप चेक करना है हाइपोथेसिस पे देखते हैं या फिर दैट इज कॉल्ड हाइपोसिस ऑल्सो स्पेसिफिक इसमें क्या क्या पॉइंट्स है स्पेसिफिक है टेस्टेबल हम टेस्ट कर सकते हैं नॉट बाय ईटिंग ये वो होता है टेस्ट करना मेजरमेंट जजमेंट करने के लिए स्टेट प्रायर टू पर्टिकुलर स्टडी कोई भी पर्टिकुलर स्टडी के पहले आपको नॉलेज कितना है उसको जानने के लिए हम जज कर सकते हैं टेंटेटिव ये ड्यूरिंग चलता है दैट मीन्स आप पढ़ते जा रहे हो उसके साथ हो रहा है या लर्निंग करते हो उसके साथ चल रहा है ऑनगोइंग प्रोसेस जैसा है नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप स्टडीज यहाँ पे देखो इसका जो ये है क्वांटिटेटिव ये ग्रुप स्टडीज लार्जर होता, होता है रेंडमली सिलेक्टेड होता है रेंडमली सिलेक्टेड ये स्मॉलर है नॉन रेंडमली सिलेक्टेड अगर हम देखें कि इसका सोर्सेस क्या है इट इंक्लूड सर्वे क्वेश्चन एयर सेकेंडरी डेटा इसमें क्या है इट इंक्लूड्स आपका इंटरव्यूज़ फोकस ग्रुप ऑब्जर्वेशन एट्सेट्रा तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सो इन्फॉर्मेशन और डाटा अबाउट लर्निंग आउटकम्स परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर इन देयर क्वांटिटेटिव फॉर्म क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम कोई भी इंफॉर्मेशन लर्निंग के आउटकम्स और रिजल्ट्स के आएंगे उसको जज करते हैं वे कलेक्ट द डाटा एंड द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस बच्चों के लर्नर uh, के और बच्चों के जो परफॉर्मेंस है उसका क्वालिटी को चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं देन नेक्स्ट आता है अप्रोचेस टू इंक्वेरी अप्रोचेस टू इंक्वेरी क्या क्या अप्रोचेस हैं ऑब्जेक्टिव हैं स्पेसिफिकली दिज आर ऑब्जेक्टिव बट क्वालिटेटिव में ये सब्जेक्टिवस हैं फोकस्ड आउटकम ओरिएटेड ये आउटकम रिजल्ट के बेसिस है ये क्या है प्रोसेस जो पूरा चलता है ना उसके ओरिएंटेड है तो प्रोसेस ओरिएंटेड और होलिस्टिक ओरिएंटेड इसमें डिवाइसेज क्या यूज़ होते हैं टेस्टिंग डिवाइसेस आर यूज कौन से एप्टीट्यूड एटीट्यूड स्केल इंटेलिजेंस टेस्ट नॉन टेस्टिंग डिवाइसेज आर यूज जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज एट्सट्रा डेटा एनालिसिस में अगर हम चले तो क्या होगा डेटा एनालिसिस में देखो तो रो रॉ डेटा यहाँ पे रहता है मैंने ऑलवेज़ बोला रॉ डेटा इन नंबर यहाँ पे रॉ डेटा इन वर्ड्स रहता है क्वालिटेटिव है उसमें तो नंबर्स नहीं हो सकते डेटा इंटरप्रिटेशन जो लास्ट कंक्लूजन कंक्लूजनस आर फार्मुलेटेड एट द एंड ऑफ द स्टडी स्टडी के एंड में होगा यहाँ पे कंक्लूजनस बीच बीच में आप दे सकते हो या फिर पूरा रिव्यू कर सकते हो चेंज कर सकते हो अपने पॉइंट्स को भी ऑन प्रोसेस के साथ ओके सो so, इतने पॉइंट्स तक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पॉइंट आ गया अभी थर्ड क्वेश्चन के तरफ चलते हैं दैट इज़ द ओरल और रिटर्न फॉर्म के अकॉर्डिंग जो पॉइंट है तो उसमें आप क्या लिखोगे तो ये पूरा आपको ना मैंने टेस्ट मटेरियल्स दिया है आप चेक कर सकते हैं कि ये इसमें क्या क्या है डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा अगर आपको लिखना है तो अचीवमेंट टेस्ट से यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हो अचीवमेंट टेस्ट का कुछ पॉइंट्स मेंशन करके जो आपका डायग्राम है दैट इज अचीवमेंट टेस्ट क्या है व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट आफ्टर दैट मीनिंग डेफिनेशन एंड लास्टली जो आपको एक डायग्राम मैंशन है कि अचीवमेंट टेस्ट इज डिवाइडेड इंटू टू पा स्टैंडर्डाइज टेस्ट नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट अगेन नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में हम टीचर मेड टेस्ट और हमने मेंशन किया था इनफॉर्मल टेस्ट वहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया वहाँ तक लिख के आप इसको मेंशन कर सकते हैं बिकॉज रिटर्न ओरल और ऐसे टाइप टेस्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट और शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट ये सब मेंशन होगा उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा, थोड़ा 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 आप एज अ शॉर्ट करेंगे मल्टीपल क्वेश्चन आपके बुक में यूनिट थ्री में मेंशन है प्लीज़ चेक करिएगा ऐसे टाइप शॉर्ट आंसर टाइप तो यहाँ पे एक साथ पढ़ लो एक साथ आंसर बना लो मैक्सिमम फोर टू फाइव क्वेश्चन का आंसर यूनिट थ्री से कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो so, चलते हैं डेफिनेशन इन टोटल मैं बताऊंगी एंड प्रॉपरली बता रही हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है पहले तो हम चलेंगे डेफिनेशन ऑफ यहाँ पे जो ई e मेंशन है ई e जहाँ पे मेंशन हो गया दैट इज थिंक कर लीजिए ऐसे टाइप के लिए मेंशन है ऐसे टाइप देन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप एंड ओरल टाइप और ओरल टेस्ट टाइप ठीक है ओरल के अकॉर्डिंग है सो so, यहाँ पे देख लेते हैं पहला कि ऐसे टाइप में क्या मेंशन है ऐसे क्वेश्चंस आर डिफाइंड एज अ टेस्ट आइटम हुई रिक्वायर एक्सटेंडेड रिटर्न रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू रोबर एंड डेविड तो रॉबर एंड डेविड के अकॉर्डिंग ऐसे टाइप क्या होता है जहाँ पे आप एक क्वेश्चन मिलता है एंड उसको आप बहुत अच्छे से एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं एक्सप्लानीशन दे सकते हो वो होता है ऐसे टाइप वेरी शॉर्ट टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप में क्या है ये डायरेक्ट आंसर टू गिवन टू एवन क्वेश्चन इन ए पीस ऑफ सेंटेंस और वर्ड्स वेरी शॉर्ट बोला गया तो वेरी शॉर्ट आंसर में क्या हो जाएगा टू टू थ्री लाइन्स मेंशन करना है शॉर्ट आंसर टाइम में सिंगल वर्ड और टू वर्ड्स मेंशन करना है ओरल टाइप में क्या होता है दैट इज अरल टाइप आर डोज दैट रिक्वर ए स्पेसिफिक पोटेंशियल आंसर टू ए क्वेश्चन पोटेंशियल आंसर मीन्स होता है ब्रिप पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक टू दैट ये सिंगल वर्ड में होगा या टिक मार्क पे होगा ट्रू फॉल्स पे होगा ऐसा चीज़ है सिंगल अल्फाबेट में भी हो सकता है तो स्पेसिफिक होना चाहिए उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो एक दूसरे को मैच करे दैन पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ऐसे टाइप को देखते हैं ये ओल्डेस्ट पैटर्न में ये ओल्डेस्ट पैटर्न में है ये क्या है वेरी शॉर्ट एंसर टाइप्स और मिडिस्ट है मिडिल में आता है एंड ओरल टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप जो मैंशन किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूएस्ट ये न्यूएस्ट है सबसे न्यूएस्ट एंड ये कौन से पीरियड से आ रहा है एग्जामिनेशन मोड ऐसे टाइप बहुत ही ट्रेडिशनल है बहुत ही पुराना है Uh, जो वेरी शॉर्ट है एंड शॉर्ट है पोस्ट ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशन जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद मिडस्ट है इसलिए ये भी पोस्ट ट्रेडिशन मतलब बोल सकते हैं न्यूएस्ट है कुछ सालों के अंदर हुआ है अच्छा देखो अभी टाइप्स अगर मेंशन करते हैं ना जो आपका अ, मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यों मेंशन किया थोड़ा सा वास्ट था तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ के लिए दैट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर मतलब भी ऐसे एंड ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप और ओरल टेस्ट के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट सेम है उसको मैंने इस पॉइंट में मेंशन कर दिया ठीक है टाइप मेंशन करके यहाँ पे है एंड एरो मार्क मैंशन है क्लियरली आपको दिखे तो कंप्लीशन टाइप टेस्ट भी ना कंप्लीशन टाइप टेस्ट और सिंपल रिकॉल टाइप टेस्ट ये क्या होता है रिकॉल टाइप टेस्ट है रिकॉल टाइप टेस्ट है ये भी आपके यूनिट थ्री में मैंशनड है आप चेक करो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे इंफॉर्मेशन है कम्प्लीटली ये शॉर्ट क्वेश्चन है दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन को मिक्स करके एक फाइव मार्क का क्वेश्चन दे सकता है ए के बच्चे लोग आप लोगों को बता रही हूँ सिंपल रिकॉल टाइप और कंप्लीशन टाइप क्या होता है सिंपल रिकॉल बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब ये आपको पहले से कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा उसी के बेस्ट में कोई क्वेश्चन पूछ लिया एंड आप आंसर दे रही है दैट इज वी हैव डेस्ट लिख्स आपको पता ही ये क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फिक्स्ड है आपको एक्सप्रियस्ड है उस चीज़ का कंप्लीशन टाइप टेस्ट द पीपल हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स और लेटर्स दैट मीन्स आपका कंप्लीशन मतलब एक पॉइंट और एक वर्ड ऐसे बिठा दो जिसके थ्रू ये कंप्लीट हो जाए ऐसे पॉइंट में जब आते हैं तो उसको हम कंप्लीशन टाइप टेस्ट बोलते हैं सी इज प्राउड डैश हार ब्यूटी प्राउड एट हा ब्यूटी हो सकता है कि ऑफ आर ब्यूटी आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एनी वन को हो गया लुक एट द ब्लैक बोर्ड द मेंशन हो गया तो हो गया ये हो गया कंप्लीशन टाइप ठीक है ये हो गया कंप्लीशन टाइप नेक्स्ट है रिकॉग्निशन टाइप रिकॉग्नाइज करना है सिलेक्शन टाइप आइटम्स होना चाहिए बेस्ट ऑन द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट एंसर दैट इज और ट्रूफॉल्स हो सकता है कोई भी तीन चार वर्ड्स होंगे ऑड आउट हो सकता है वो सारे टाइप्स ठीक है अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ ई एस ए दैट इज़ ई एस ए मीन्स आपका एस ए टाइप जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं ये देखिए एंड देखो इस ये जो दो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए ना अभी तक के अंदर कि ये ये पॉइंट ये दोनों इसके लिए इसके लिए सेम था बट ये ऐसे के लिए नहीं था ऑनली ये दोनों के लिए था ठीक है इसके बाद रिकॉग्निशन के बाद आपको वेरी शॉर्ट आंसर में जो ऐड करना है नेक्स्ट पेज में मेन्श है ठीक है जब भी आप प्रिपेयर करो उसके अकॉर्डिंग करो तो यहाँ पे मैंशनड है एंड एडवांटेज जो डिसएडवांटेज मैंशन है ये डायरेक्ट रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट के बाद आप मैंशन कर देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे ख़त्म हो गया ठीक है यहाँ पे देखो टाइप्स ई ऐसे जो मेंशन है वहाँ पे ग्रेट डील ऑफ पॉइंट्स टू एक्सटेंड द क्वेश्चन आपको क्या मिलता है एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन टू टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं ई ऐसे में दैट इज़ ऐसे टाइप में एक होता है एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन एक होता है रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन मतलब आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो आप चाहो जितना उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड फॉम जस्ट लाइक डिस्कस ए सर मल्टीपल चॉइस टेस्ट उसके बेसिस पे रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स टाइप क्या होता है मोर स्पेसिफिक टू क्वेश्चन होता है ईजियर टू स्कोर होता है बिकॉज आपको कुछ स्पेसिफिक हंड्रेड वर्ड्स और फाइव हंड्रेड वर्ड्स में उसको लिखना पड़ता है एंड इसके थ्रू हम जो भी पॉइंट्स लिखते हैं बहुत ही वैलिड uh, होता है रिलायबल होता है एडवांटेज क्या है फ्री एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिल जाते हैं एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं टेस्ट देयर नॉलेज बच्चों के नॉलेज को आप टेस्ट कर सकते हो टेस्ट रीजनिंग टेस्ट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज आइडियाज नो गेस वर्क कोई भी गेस वर्क नहीं चलता क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो गेस क्या करोगे वहाँ पे आप जो भी सोचते हो उसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड सोच के लिखना पड़ता है अगर मैं डिसएडवांटेज में देखूँ तो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव तो है नहीं ये सब्जेक्टिव है लिमिटेड करिकुलम करिकुलम में भी लिमिटेड टाइम कंज्यूमिंग है डिफिकल्ट भी है ओके okay. तो so, ये पॉइंट्स हो गए नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए यहाँ पे क्या मेंशन हो गया ये पॉइंट इसके बाद आता है रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट के बाद यहाँ पे देखो मार्क करके मेंशन है दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी मल्टीपल चॉइस टाइप जो होता है इन विच रेस्पोंडेंट्स रेस्पोंडेंट्स मीन्स जो रिस्पॉन्स देता है मतलब लर्नर्स आर आज टू सेलेक्ट बेस्ट पॉसिबल आंसर आउट ऑफ द चॉइसेस जो भी चॉइसेस है उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करके आपको लिखते हैं सपोज एक क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तो वहाँ पे आप आ, किसका पार्ट है मेंशन करके थोड़ा सा लिख सकते हैं ये पोस्ट ट्रेडिशनल है कि प्री ट्रेडिशनल है क्या है आप मैंशन करके मल्टीपल चॉइस टाइप लिख सकते हो इसके बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होंगे आ, उसके बाद और क्या ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न आप पांच क्वेश्चन लिख देना मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग तो हो गया वन पेज हो जाने से हमारा आंसर खत्म इतना ही मेंशन है ऑल्टरनेटिव रेस्पॉन्स टाइप ऑल्टरनेट रेस्पॉन्स टाइप क्या होता है चूज़ आइदर एनी वन टू फिलअप द ब्लैंक्स कोई भी ब्लैंक को और बॉक्स को फिलअप करने के लिए कोई एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है ट्रू और फॉल्स यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स में मैंशन किया है क्वेश्चन वैसे ही टाइप का आएगा मैचिंग टाइप टेस्ट क्या होता है मैच द फॉलोइंग आइटम्स कॉलम ए है कॉलम बी है तो वो दोनों को मैच करना रहता है उसके जो आइटम्स रहते हैं मैच करना रहता है देन क्लासिफिकेशन टाइप क्या होता है बेस्ट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और आइटम्स उसके बेसिस पे आप क्लासिफाइड करना रहेगा जैसे कि सपोज होता है ना बर्ड्स हैं एनिमल्स के नेम कुछ हैं uh, कुछ बर्ड्स हैं जो कार्निवोरस हैं मीट के ऊपर डिपेंड करता है मीट खाते हैं तो उनको हम सेपरेट कर दिए एनिमल्स के ग्रुप में ही रख दिए और कुछ बर्ड्स होंगे जो ओनली वेजिटेबल्स और फिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के ऊपर ग्रो करते हैं तो उसको हम सेपरेट कर दें उनके फीडिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग तो ये क्लासीफिकेशन एनालोगी क्या होता है चूज़ सेम कैटेगरीज आइटम्स सेम टाइप का जो कैटेगरी है उसको हम चूज़ करते हैं अभी चलते हैं ये जो आप मल्टीपल चॉइस टाइप है ना उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे मैंशनड है एडवांटेज क्या है ये वर्सटिलिटी है वर्सटाइल इन नेचर होता है रिलायबिलिटी वेरी रिलायबल अकॉर्डिंग टू द लर्नर और उनके टेस्ट मटेरियल्स एंड वैलिड भी होता है वैलिडिटी इसका बहुत ज़्यादा है अगर मैं चेक करूँ किसका मैचिंग टाइप टेस्ट का देखो थ्री पॉइंट टू पॉइंट थ्री में मेंशन है मैचिंग टाइप टेस्ट का थोड़ा सा डेफिनेशन दे दिया एंड एडवांटेज एडवांटेज में फाइव पॉइंट मेंशन है दे रिक्वायर शॉर्ट पीरियड ऑफ रीडिंग इसमें क्या होता है ना कम पढ़ना पड़ता है एंड रेस्पॉन्स टाइम्स आल्सो शॉर्ट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट मेजरमेंट जो हम करते हैं ऑब्जेक्टिव का उसको भी हम क्या करते हैं थोड़े-थोड़े पॉइंट पे कर लेते हैं हाईली रिलाएबल टेस्ट स्कोर व्हाइट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स विथ ए लो रीडिंग एबिलिटी बच्चों का जो भी लो रीडिंग एबिलिटी है उनके लिए भी हेल्पफुल है ग्रेट फ्लैक्सिबिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा है एंड ग्रेटर एकूरेसी ऑल्सो ग्रेटर एकूरेसी ऑल्सो तो अभी ये तो पॉइंट हो गया इसका एकूरेसी भी बहुत अच्छा हो गया अभी देखो ये जो पॉइंट है एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज ये किसके अकॉर्डिंग है ऑब्जेक्टिव टाइप के अकॉर्डिंग तो ये लेस एक्सपेंसिव है सेफ टाइम देन कोऑपरेटिव आल्सो कोऑपरेटिव स्पिरिट एक साथ सबको मिलजुल के करता है इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है यूजफुल इन डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन डिसएडवांटेज में क्या है समटाइम ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नो इजी टू फिक्स इसको आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते लेस इफेक्टिव लिमिटेड यूज लैक ऑफ एक्रेसी एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम आता है ओके सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा एंड क्राइटेरियन रेफरेंस जो इवालुएशन है ये आपको कल मिल जाएगा एंड नॉन रेफरेंस इसके अकॉर्डिंग uh, इसका डिफरेंस भी मैंने मेंशन कर दिया है आप नोट्स uh, बना लो एंड फर्दर जो भी आपके पॉइंट्स होंगे इसके रिगार्डिंग और एक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवालुएशन शॉर्टकट में हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे एंड ये यूनिट खत्म हो जाएगा तो मैक्सिमम मैंने यूनिट थ्री से भी कुछ क्वेश्चन कर लिया मैक्सिमम यूनिट टू से भी हो गया इससे पहले हम लोग प्रेयर इवालुएशन कर चुके हैं चेकलिस्ट कर चुके हैं तो वो सब भी चेक करते रहिए और हार्डली मुझे आ, तीन चार दिन का टाइम दे दो एंड उस अकॉर्डिंग कुछ कुछ आंसर्स और मिल जाएंगे कुछ कुछ वीडियोस और आ जाएंगे एंड आपने बोला था कि ये बना दो प्लेलिस्ट बना दो तो प्लेलिस्ट कल आएगा थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस